हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 54। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञा का भाषा समाधि स्थस्य केशव स्थित किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति की क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा और देखा और समझा कि भगवान कृष्ण ने कहा कि आत्म साक्षात्कार की समाधि में जब मन स्थिर हो जाए, तो अर्जुन का स्वाभाविक प्रश्न था, ऐसा व्यक्ति जिसका मन अध्यात्म में लीन है, जिसकी चेतना आत्म साक्षात्कार में स्थित है, उसके क्या लक्षण हैं। तो ये श्लोक से अब आने वाले श्लोकों की एक श्रृंखला आरंभ हो रही है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर देंगे कई अन्य श्लोकों में। तो अगर अर्जुन ने ये प्रश्न महत्वपूर्ण ना किए होते तो हमें इनके उत्तर कभी भी जानने को ना मिलते। तो जो अर्जुन पूछ रहे हैं, यही उनका जीवन था, वो इस स्तर के ऊपर थे, वो इसे जी रहे थे। लेकिन अर्जुन हमारे लिए माध्यम बने और इन सब संशयों को भगवान कृष्ण के सामने प्रस्तुत करके उन्होंने पूरी मानव जाति के लिए इस विज्ञान को उजागर किया। तो इस श्लोक के अंदर 4 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है का भाषा, जिसका अर्थ है कि स्थित प्रज्ञा, जो अध्यात्म में स्थित है, उसके सामान्य लक्षण क्या हैं, का भाषा। दूसरा प्रश्न कहा है किम प्रभाषेता, जिसका अभिप्राय है, शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो पाएंगे वो कैसे बोलता है, लेकिन अभिप्राय है कि जब उसके जीवन में कठिनाई आती है, उसको आरोप लगाया जाता है, उसकी निंदा की जाती है, उसकी भर्त्सना की जाती है, वो कैसे प्रतिक्रिया दिखाता है। अब जब ऐसा होता है तो वो क्या करता है ऐसी परिस्थितियों में, जीवन की दुर्घटनाओं में, जीवन की विपरीत परिस्थितियों में, या फिर जब उससे स्नेह दिखाया जाए, प्रेम किया जाए, उसकी प्रशंसा की जाए, उसको सम्मान दिया जाए, तब वो कैसे अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है, किम प्रभाषेता। तीसरा प्रश्न है किम आसीत, अर्थ अनुवाद में देखेंगे तो पाएंगे वो बैठता कैसे, लेकिन इसका गहरा अभिप्राय यह है कि वो अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करता है। तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और इनके ऊपर मन। तो ऐसा व्यक्ति जो अध्यात्म में स्थित है, वो इंद्रियों को नियंत्रित कैसे करता है। तो इंद्रियों को नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है, हम तो इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित हैं सामान्य अवस्थाओं में। ये इंद्रियां जो हमें कहती हैं, हम उन इंद्रियों की मांगें पूरी करने में समय व्यतीत करते हैं। लेकिन किम आसीत का अर्थ है कि इंद्रियों को किस प्रकार से संयमित किया जाए। और फिर चौथा प्रश्न है किम व्रजेता, जिसका अनुवाद देखें तो पाएं कैसे चलता है, लेकिन वो इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने पर उनके साथ क्या प्रतिक्रिया करता है, उनको क्या प्रति उत्तर देता है, उनसे कैसे व्यवहार करता है, यह है किम व्रजेता। अब इन 4 प्रश्नों को अगर हम देखें तो आप पाएंगे ये 4 के 4 हमारे ही प्रश्न हैं, कि हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, लोग आरोप लगाते हैं, निंदा करते हैं, हमें हमारे साथ अन्याय किया जाता है और हमारा मन व्यथित हो जाता है। जब हमें सम्मान दिया जाता है, प्रशंसा की जाती है, तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में संतुलन कैसे रहें, अब हम आगे आने वाले श्लोकों में सीखेंगे। और फिर इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें,
इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने पर कैसे प्रतिक्रिया दिखाएं। तो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को अर्जुन ने यहाँ उठाया है इस गीता के इस 54वें श्लोक में, जिन्हें भगवान आने वाले श्लोकों में उत्तर देंगे, जिन्हें हम कल से सीखेंगे। हरे कृष्ण।